खोड़ विद्युत वितरण केंद्र की व्यवस्थाएं इस हद तक चरमरा चुकी हैं कि खोड़ विद्युत अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज एक गाय को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देखने वाली बात यह है कि जिस डीपी से करंट लगने के बाद गाय की मौत हुई है, उस पर पिछले एक माह से ट्रांसफार्मर ही नहीं है। इस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए हाल ही में शिवपुरी दौरे पर आए मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया से भी खोड़ के लोगों के द्वारा मौखिक रूप से ट्रांसफार्मर बदलवाए जाने के लिए निवेदन किया था, लेकिन जिस पर तुरंत ही श्रीमंत के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि आज भी श्रीमंत के द्वारा दिए गए निर्देश पर विद्युत अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके चलते कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि स्थिति बिगड़ चुकी है। विद्युत वितरण केंद्र पर पदस्थ जेई अरविंद भोसले के द्वारा 3000 रुपए की मांग की जा रही है और लोगों में आक्रोश है। किसी भी दिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लोगों का गुस्सा फूट सकता है। और आपको बता दें कि हर दिन 10 से 12 घंटे मेंटेनेंस के नाम पर कटौती चलती है। इससे लोग परेशान हैं और कोई मेंटेनेंस का नहीं भी नहीं होता, जिसका उदाहरण ये घटना है, क्योंकि इस घटना में गाय के स्थान पर कोई इंसानी बच्चा भी हो सकता था। इसमें 2 महीने से समस्या आ रही है और 3000 रुपए रिश्वत के मांगते हैं। जब ही लाइट चालू है, कौन मांग रहा है? कैलाश मांग रहा है, जो यहाँ का मेल नेल है, जो यहाँ के चार्ज वाला, वो मांग रहा है। ये डीपी उतरी हुई पड़ी है, कितने दिन से उतरी पड़ी है? भाई क्या? 2 महीने से उतरी हुई है। यहाँ पे विद्युत विभाग में किस पद पर हो? लालनपुर। ये डीपी निकली हुई पड़ी है, कितने दिन से निकली पड़ी है? करीब 8-10 दिन। 8-10 दिन तक इनकी विद्युत व्यवस्थाएं कैसे चल रही है सबके साथ, जो मतलब बिना लाइट के? अधिकारी आ जाएगी डीपी कल। कितने दिन से कह रहे हैं? तो बता दें कि आ जाएगी कल। कुछ लोग पैसों का भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे मांग रहे हैं 3000 रुपए, वो क्या मामला है? पैसे की अपने नहीं पता। किसने मांगे पैसे? दोनों मांगे। तो ये कब तक व्यवस्था चालू हो जाएगी? ये गई है, मर गई, इसके लिए अब क्या करेंगे? यहाँ तो डोरी डरी फिर रही है दुनिया, को कितने से डोरी डाले, को कितने से डोरी डाले, जी है ना। लाइन तो क्लियर कटी है, क्लियर बिल्कुल। नीचे करंट कैसे आ गया फिर? तो भाई तो अपन देख रहे हैं, क्योंकि डोरी मोरी डोरी हटा दी, डोरी डरी नहीं। अरे ये हादसा कैसे हुआ? अरे सर, मैं लेके आ रहा था, इसके अम्मा के पास से निकली, थोड़ी टच हुई जो स्टील लाइट से और जो चिपकी रह गई। ये लाइट कब से खराब है? एक महीने से तार डले हैं नीचे, ना कोई सुनता है ना कोई कुछ करता है। 50 बार के लिए लाइट वालों से। यहाँ के बिजली विभाग वालों की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? बिल्कुल।